ये जो रेशम का कीड़ा है इस समय चौथे मोल्ट में गया हुआ है, और चौथे मोल्ट में जाके आप देख रहे हैं कि कोई भी पत्ती नहीं खा रहा है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गया हुआ है। लेकिन हमारे साथ ही इस समय मनोज डांगी जी देख रहे हैं, आप एक पतली सी लकड़ी की सीख लेकर के जो उसके नीचे पत्तियों का बेड बन गया है अभी खाते खाते, उसे हिला रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा उसमें जगह बना दे रहे हैं। तो ये जगह एक बहुत बनाने वाली जो प्रक्रिया ये कर रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी चीज है ऐसे समय पर, क्योंकि मोल्ट में कीड़ा चला गया है, वो शांत है और अब उसे 24 या 36 घंटे तक कोई फीडिंग नहीं मिलने वाली है और वो एक ही जगह पर बैठा रहेगा। और ऐसे टाइम पर जो बेड है, बेड में अगर ऐसे ये जगह नहीं बनाएंगे, जगह क्या बना रहे हैं, एक तरीके से उसमें हवा आने जाने के लिए छोटे छोटे छेद या फिर हम कहें स्थान बना दे रहे हैं, जिससे कि हवा का आवागमन होगा और जो मोटा बेड है उसके नीचे की नमी निकल करके चली जाएगी। और ये नमी जब चली जाएगी तो जो उसमें बेड से जो नमी होने की, वैसे आप सभी जानते हैं कि जो भी नमी के साथ चीज होती है वो सड़ने लगती है और उसमें बीमारियां होने लगती हैं। तो नमी की वजह से जो उस बेड में बीमारी होगी वो कीड़े में आ जाएगी, और हम अगर ऐसा करेंगे तो वो बीमारी उससे दूर रहेगी और कीड़ा बहुत हष्ट पुष्ट होगा। अच्छे कीट पालन करने के बाद अच्छा रेशम का उत्पादन करेगा। ये बहुत ही जरूरी चीज है, हमारे किसान भाई इसको ध्यान रखें और ऐसे मोल्ड के समय पर जरूर करें, जरूर करें।